दो शब्द आपसे कहना चाहता हूं। प्रश्न आपके भीतर बहुत सारे उठते हैं, जाने कितने दिनों से आपके भीतर उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देता रहा हूं, और ये प्रश्न हमेशा उठते रहेंगे, उनके उत्तर मैं देता जाऊंगा, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कभी। सच्चे अर्थों में आपको उत्तर कभी नहीं मिल पाएगा। इसका कारण है, कारण सिर्फ इतना है कि वही उत्तर उत्तर होते हैं जो उत्तर आपके भीतर से पैदा होते हैं। बाहर से दिया गया कोई उत्तर कभी उत्तर हो ही नहीं सकता। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर फिर क्यों देता हूं? आपके प्रश्नों का उत्तर फिर भी देता हूं, लेकिन सच्ची बात बताऊं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते समय कभी मेरे भीतर यह भाव नहीं होता कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। सिर्फ ये भाव होता है कि मेरे उत्तर आपके भीतर उठने वाले प्रश्नों को समाप्त कर दें, आपके भीतर प्रश्न उठने कैसे बंद हो जाए, कैसे तुम निष्प्रश्न हो सको। निष्प्रश्न होने की अवस्था में तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द स्टेट ऑफ बीइंग क्वेश्चनलेस। आप निष्प्रश्न तभी हो सकते हो जब आपके भीतर से उत्तर उठने लगे, और हजार हजार प्रश्न हजार हजार उत्तर दिए जाएं, उसके बावजूद भी आपको तृप्ति नहीं उपलब्ध हो सकती है। तृप्ति कैसे उपलब्ध हो सकती है? इसके लिए आपको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। ये कोई घंटे आध घंटे की बात नहीं है कि आप आए, आपने कोई प्रश्न पूछा और आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया गया और आपकी समस्याओं का समाधान हो गया। समस्याएं अनेक हैं, प्रश्न तुम एक पूछते हो, उसका उत्तर पा जाने पर तुम्हें लाभ ही क्या होगा। मैं तुम्हें वह समाधान देना चाहता हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो। जितनी समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में पैदा होती हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान, और उस समाधान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। तुम जैसे जी रहे हो ऐसे अगर जीते चले गए तो वहीं पहुंचोगे जहां अभी हो, यानी अशांति तनाव उपद्रव की जिंदगी जी रहे हो, वही अशांति तनाव उपद्रव की जिंदगी जीते चले जाओगे। और जीवन शैली बदलने के लिए मैंने हमेशा किसी न किसी प्रकार से आपको एक कदम उठाने की दिशा में प्रेरित किया है। इसके पहले कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, आज मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आपकी जीवन शैली क्या होनी चाहिए। आप सब कुछ अपनी घर गृहस्थी और तमाम सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर एक दिन सदगुरु के नाम पर समर्पित करते हैं। जाने लोग कितनी कितनी दूर से यहाँ आए हैं, कोई राजस्थान से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई बॉम्बे से आया है, कोई गुजरात से आया है, इतनी इतनी दूर से आए हो। आप उस रसायन को उपलब्ध हो सकते हैं जिससे आपके भीतर सारा कुछ रूपांतरण शुरू हो जाए। आपके भीतर जब रूपांतरण होगा, आपका रसायन जब बदलेगा, तो एक अद्भुत घटना घटती है। आपका हर पल आनंद से भर जाता है, और फिर जो कुछ आपके शरीर से होता है वही सेवा है, वही शुभ है, वही परोपकार है, वही धर्म है। धर्म की और कोई परिभाषा नहीं है, धर्म शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। धर्म सिर्फ आनंदित व्यक्ति के जीवन से होने वाले क्रियाकलापों का परिणाम है और कुछ नहीं है धर्म। तो आपकी जीवन शैली कैसी हो, 24 घंटे कैसे जिए, मेरा सारा जोर आपको धर्म ग्रंथों को सुनाने पर नहीं है, ना आपको महाभारत, रामायण, गीता, पुराण, इनकी कहानियां भी नहीं सुनाना चाहता हूं। आप, मैं चाहता हूं जो मैंने अनुभव किया है, जिससे मेरा जीवन बदला है, उस
जीवन शैली को आप आत्मसात करें, आपका जीवन पूरा पूरा बदले, ताकि आपके जीवन में आनंद की सुगंध पैदा हो जाए। तो आपका जीवन शुरू कहां से होता है? प्रातःकाल सोकर उठते हैं, लेकिन सोकर उठते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सोने के पहले आपकी क्या दशा होती है, कैसे सोते हैं। जो व्यक्ति जिस भाव दशा में सोने जाता है उसी भाव दशा में सुबह सोकर उठता। सोने के पहले जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, वैज्ञानिक सत्य। अब अधिकांश लोग कैसे सोते हैं, सोने के पहले भी जरूरी है कि सूरज ढलने के बाद शाम को आप क्या करते हैं। अधिकांश लोगों के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, सूरज ढलने के बाद लोग जाने क्या क्या करने लगते हैं। यही महत्वपूर्ण क्षण है जब आपको सजग होने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। सायंकाल यह भी अमृत वेला है, रात का आगमन शुरू होता है, दिन का विसर्जन शुरू होता है, रात और दिन के मिलन की अद्भुत घड़ी है, न्यूट्रल होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, बहुत महत्वपूर्ण समय है। सायंकाल आप क्या करते हैं इस पर निर्भर करता है कि आपकी नींद कैसी होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम एक साक्षी साधक के लिए है वह इतना है कि सायंकाल जब भी आप घर आते हैं, बाहर से आते हैं, दफ्तर से आते हैं, अपने कार्य क्षेत्र से वापस लौटते हैं, कहीं से बाहर आते हैं, शाम को घर आने पर आप थके होते हैं और तमाम सारी नकारात्मकता लेकर आते हैं आप अपने साथ। दिन भर जाने कितने लोगों से मिलते हैं, जाने कितनी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, तमाम तरह के लोग आपसे मिलते हैं। कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई निराशावादी है, कोई आशावादी है, जाने कितने झूठ बोलने वाले आपसे मिलते हैं, जाने कितने झूठ आप बोल रहे होते हैं। ये सारी तरंगें आपके भीतर इकट्ठा रहती हैं। आप वही आदमी नहीं होते हो जो सवेरे घर से निकले थे। आप बहुत सारा कूड़ा, बहुत सारा कचरा अपने भीतर इकट्ठा करके घर में घुसते हैं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा घर में घुसते ही बीवी से आपकी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तमाम सारी नकारात्मकता, तमाम सारे विकार बाहर से लेकर घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए साक्षी साधक का पहला काम घर पर पहुंचते ही होना चाहिए इनर क्लींजिंग, भीतरी सफाई। जिस समय सारी नकारात्मकता आपके भीतर प्रवेश करी है, जितना जल्दी आप उसको बाहर कर दें उतना शुभ है, क्योंकि अगर उसी समय आप बाहर करते हैं तब तो वो बाहर हो सकती है, लेकिन अगर आपने ज्यादा देर उसको अपने भीतर रखा तो वो जड़ हो जाती है। आपके भीतर इतनी गहराई से इकट्ठा हो जाती है कि उसको बाहर करना संभव नहीं है। वही तरह तरह की बीमारियां बनकर आपकी जिंदगी में प्रकट होती है, चाहे वो शरीर के तल की बीमारी हो, आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, जो आधुनिक जीवन शैली की बीमारियां हैं, तनाव होते हैं, कैंसर होता है, ये सब इसी प्रकार के जो स्थूल और सूक्ष्म तल के विकार आपके भीतर इकट्ठा होते हैं। और जिस व्यक्ति के भीतर जितना अधिक विकार इकट्ठा हो जाते हैं उस व्यक्ति की संभावनाएं आनंदित होने की उतनी ही क्षीण हो जाती हैं, उतना ही अधिक कम हो जाती हैं। इसलिए जो नकारात्मकता आपके भीतर इकट्ठा हो रही है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले उस नकारात्मकता को तत्काल निकाल कर उससे मुक्त हुआ जाए। और उसके लिए मैंने आपको बताया है इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर। आप जब भी सायंकाल घर पे आए थोड़ा हाथ पैर धो लें, स्वच्छ हो जाए और सुखपूर्वक सबसे पहला काम करें भीतरी सफाई, विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करके अपने शरीर की भीतरी सफाई करें। आपका शरीर एक स्थूल शरीर है
और इस स्थूल शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीरों का आवरण है, इसीलिए यह शरीर पंचकोश युक्त है। पांच परतें हैं, सूक्ष्म परतें हैं आपके शरीर की, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, ये सूक्ष्म परतें हैं शरीर की। शरीर के तल पर जो विकार हो जाते हैं उन विकारों को समाप्त करने के लिए दो उपाय हैं। एक मेडिकल साइंस है, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवा देता है, ऑपरेशन करता है, जैसी बीमारी हो वैसा उपचार करता है। लेकिन सूक्ष्म शरीरों में जो बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं उनको ठीक करने का मेडिकल साइंस के पास अभी कोई समाधान नहीं है। और उन विकारों की जो आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गए हैं उनकी सफाई करना अत्यंत अनिवार्य है, अन्यथा वह विकार धीरे धीरे शरीर के तल पर भी उभरने लगते हैं और वो लाइलाज हो जाते हैं, इनक्योरेबल हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको परम वैज्ञानिक शोध के उपरांत विधि दी है, इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर, विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करके सूक्ष्म शरीरों की सफाई करें। विचार कितने शक्तिशाली हैं, जिस चीज का विचार करते हैं वैसा ही आपके भीतर रासायनिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आप घर के एकांत कमरे में बैठे और काम वासना का विचार करने लगे, कोई नहीं है वहां, सिर्फ विचार ही करना शुरू करते हैं और कामुकता आपके शरीर में व्याप्त होने लगती है, आपके भीतर रासायनिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। ये इतनी शक्तिशाली चीज है, इसीलिए भारतवर्ष का ऋषि कहता है शुभ संकल्प मस्तु, शुभ संकल्प मस्तु, शुभ संकल्प मस्तु, यानी शुभ शुभ सोचे, अच्छा अच्छा ही सोचे, सुंदर सुंदर ही सोचे, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य को सोचे, शिव को सोचे, सुंदर को सोचे। अगर आपका फोकस सत्यम शिवम सुंदरम पर होगा तो आपके भीतर भी सत्य शिव सुंदर शुभ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और कोई उपाय नहीं। तो ये छोटा सा प्रयोग 20 मिनट का है, सायंकाल जितना जल्दी हो सके आप शरीर को स्वच्छ करके प्राण साधना के माध्यम से शरीर शुद्धि करें। सारे विकार जब निकल जाते हैं तभी आपकी ध्यान में गति हो सकती है, अन्यथा ध्यान में गति नहीं हो सकती है। और मैंने कहा है ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं आपको वो विज्ञान देना चाहता हूं जो भारतवर्ष की अद्भुत संपदा रही है। भारतवर्ष का ऋषि कहता है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, यानी जिस जिस चीज की कामना करते हो, जो जो चाहते हो, वो सारी चीजें तुम प्राप्त कर सकते हो। वो विज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, साक्षी साधक की जीवन शैली के माध्यम से ही वो विज्ञान तुम्हें उपलब्ध हो सकता है। मैंने कहा प्राण साधना का अभ्यास करें 20 मिनट हर दिन सायंकाल, कम से कम इतना करने से आपके भीतर का जो दिन भर आपने कचरा इकट्ठा किया है वो कचरा बाहर फेंक जाएगा, आप तमाम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, या आगे जो संभावित बीमारियां आपको लग सकती है उन बीमारियों के लगने की संभावना समाप्त हो जाएगी। प्राण साधना के माध्यम से भीतरी सफाई, इसके बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोजन करें, 6 बजे से 8 बजे के बीच में, 8 बजे के बाद तो करना ही नहीं। अगर 8 बज जाए और किसी कारण से भोजन न कर पाए हो तो उस दिन व्रत रख लीजिए, उपवास रख लीजिए। सारे साधु महात्मा आपको सिखाते हैं प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं ब्राह्म मुहूर्त में उठो कभी, क्योंकि वो आपके लिए बहुत मुश्किल भी होगी। मैं इसलिए ब्राह्म मुहूर्त से बात ही नहीं शुरू करता हूं, मैं बात शुरू करता हूं सायंकाल से, जब आप घर पहुंचते हैं। ब्राह्म मुहूर्त से बात शुरू करना नासमझी है, इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है, अर्थहीन है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हजारों साल से साधु महात्मा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ब्राह्म मुहूर्त में उठो, गायत्री का जाप करो,
कोई कर पाया है, इसलिए मैं नहीं कहता। इसलिए मैंने 21वीं सदी में प्रारंभ किया सायंकाल से। भोजन आप 6 बजे से 8 बजे के बीच में कर लो, और 6 बजे से 8 बजे के बीच में भी जो जितना जल्दी कर ले वो उतना बड़ा समझदार है, उतना बड़ा ज्ञानी है। जितना जल्दी कर लो भोजन। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि अगर आप भोजन देर से करेंगे तो आप कभी गहरी नींद को नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। आपकी नींद कभी गहरी नहीं हो पाएगी, आपके शरीर को पूर्ण विश्राम कभी नहीं मिल पाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं 99% से अधिक लोग विश्राम पूर्ण नींद नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं आज। जब आपकी नींद गहरी नहीं होगी, आपके शरीर को विश्राम नहीं मिलेगा, तो आप अच्छी तरह काम भी नहीं कर पाएंगे दिन में, अपने अगले दिन के उद्यम में सफलता भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप। अगर जिंदगी में बड़े बड़े काम करने हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 8 घंटे की गहरी नींद, समग्र विश्राम, शरीर को पूर्ण विश्राम मिल जाए। और विश्राम तभी मिल सकता है, नींद गहरी तभी हो सकती है जब आप भोजन 6 बजे से 8 बजे के बीच में कर लें, क्योंकि भोजन को पचने के लिए कम से कम 3 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। और 2 से 3 घंटे अगर आप भोजन करने के बाद जागे हुए रहते हैं तो आपका भोजन आसानी से पच जाता है। अगर पेट में भोजन पड़ा है तो आपके मस्तिष्क की सारी ऊर्जा उस भोजन को पचाने के लिए पेट में इकट्ठा हो जाती है। आप भोजन करके बिस्तर पर लेट गए, उस समय शरीर के पास सबसे महत्वपूर्ण काम क्या आ गया? पेट में भोजन पड़ा है, उसको पचाना है। ये शरीर की इमरजेंसी है, ये बायोलॉजिकल इमरजेंसी है, बायोलॉजिकल नीड है। तो आपके मस्तिष्क की सारी ऊर्जा शरीर खींच के पेट पे ला देता है। तभी जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद में आप ऊँघने लगते हैं, आपको आलस्य महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जा मस्तिष्क से पेट में केंद्रित हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन करने के बाद कम से कम 3